हाय गाइस, मैं आपका दोस्त रणवीर और आज हम लोग एक नया वीडियो के साथ आए हुए हैं प्रिंटेड हिंदी चैनल पे। तो ये वीडियो जो है ये हम लोग का न्यू मशीन सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन है। ये राउंड ऑब्जेक्ट और फूड कंटेनर्स में यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। तो ये मशीन का ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो, उसका स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह का वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं यूट्यूब में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम लोग वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, क्लिक कीजिए और आगे का वीडियो देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मशीन के बारे में, सो दैट आपको नॉलेज हो वीडियो देखने से पहले। तो ये मशीन जो है इसमें दो किस्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट हो सकता है, चीज़ों के ऊपर। सो फर्स्ट है जो फूड कंटेनर्स होता है, ये फूड कंटेनर्स है। सो फूड कंटेनर्स का मिनिमम साइज जो आप प्रिंट कर पाओगे वो है अराउंड 50 ml फूड कंटेनर, और मैक्सिमम साइज जो आप प्रिंट कर पाओगे अराउंड 5000 ml, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी 3500 ml के प्रिंट किए कर चुके हैं फैमिली बिरयानी पैक का फूड कंटेनर। सो ऑलरेडी वो 3500 ml का है, तो हम लोग ऑलरेडी टेस्ट ट्रायल क्योंकि हम लोग ने वो प्रिंट कर चुके हैं, सो दैट ये आपको 5000 तक इजीली आप प्रिंट कर पाओगे। और जब भी आपका फूड कंटेनर हो इसमें स्टैंड आते हैं, डिफरेंट टाइप स्टैंड आते हैं फूड कंटेनर्स में। सो ये हो गया जो स्टैंड मशीन के साथ आता है, वो हो गया आपका बॉटल्स के लिए, और अगर आपको फूड कंटेनर्स का चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा उसको परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी एक स्टैंड आपको मशीन के साथ आएगा, कोई एक नया स्टैंड चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा। सो ये बॉटल का जो कंटेनर का स्टैंड है वो अलग टाइप का है, फूड कलर का स्टैंड अलग टाइप का है। और दोस्तों, अगर आपको फूड कंटेनर्स अगर आपको बनवानी है, क्योंकि हर बार अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का अलग अलग साइज का फूड कंटेनर्स होते हैं, तो ये देखिए ये जो फूड कंटेनर है ये हम लोग का एक क्लाइंट है हैदराबाद से, उन लोग के लिए दिया हुआ है। तो उनके साइज में हम लोग ने परफेक्टली मैच करके ये फूड कंटेनर बनाया है, आप देख पाओगे। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप जब भी अपना फूड कंटेनर के लिए आप करना चाह रहे हो, कौन सा मैन्युफैक्चरर्स के कर रहे हो, तो उसका सैंपल फूड कंटेनर हम लोग को प्रोवाइड करें, सो दैट आपका जो जिग हो वो बेहतरीन हो और आपके फूड कंटेनर इसके साथ अच्छे से मैच हो। क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बबलिंग आ सकती है, तो बबलिंग आने से आपका प्रिंट जो है वो सही नहीं होगा। तो ये मिनिमम 550 ml से लेके आपका 5000 ml तक आप प्रिंट कर पाओगे। सो नेक्स्ट आगे बॉटल में, जो बॉटल है आपका मिनिमम साइज बॉटल होगा 100 ml, 100 ml से लेके आप कर पाओगे 5 लीटर तक, अप टू 5 लीटर। तो आप ऐसे वीडियो में देख पा रहे हो ये 100 ml का है, ये 200 ml का है, ये 350 ml का है, ये 0.5 लीटर का है, ये 5 लीटर का है। तो जो भी आपका साइज हो मिनिमम 100 ml का कर पाओगे, मैक्सिमम 5 लीटर का कर पाओगे। सो उसके बाद और एक बात कि आपका जो प्रिंटिंग का सरफेस हो, यहाँ पे प्रिंटिंग सरफेस होना पड़ेगा। आप देखिए ये बॉटल देख सकते हैं, ये बहुत अनइवन बॉटल है। ये जो बॉटल है ये ऐसा आप बोल सकते हो कि ऊपर बहुत डिजाइन वगैरह है, लेकिन इसमें भी प्रिंट कर पाएंगे क्योंकि बेयरिंग वगैरह हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे नीचे की तरफ और इसको घुमा पाएंगे इस बॉटल के साथ। सो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपको प्रिंटिंग एरिया होना पड़ेगा जहाँ पर आप प्रिंट कर पाए, और दूसरा बात है आपका जो एरिया होगा मिनिमम 2 इंच का वाइड होना पड़ेगा। 2 इंच मिनिमम आपको चाहिए क्योंकि आपका स्क्वीजी का भी साइज होता है, मिनिमम आपको स्क्वीजी का साइज 2 इंच का होता है, और उसके बाद आपका जो प्रिंटिंग साइज भी होता है। तो इस मशीन में मिनिमम आपको 2 इंच का साइज का आपको इमेज चाहिए, उसके बाद ही आप प्रिंट कर पाओगे। अगर पकड़ लीजिए ये डिज़ाइन है, यहाँ पे एक फिर से डिज़ाइन है, फिर स्पेस है, फिर से डिज़ाइन है, वैसा नहीं कर पाएंगे तो 2 इंच का मिनिमम आपको गैप चाहिए, उसी गैप में आप प्रिंट कर पाओगे। तो और दूसरी बात,
जब भी आप प्रिंट करते हो, पकड़ लीजिए, आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्वीजीज है, पीछे का स्क्वीजी जो है वो इंक खींचने का काम आता है, जो आगे का स्क्वीजी है वो प्रिंटिंग का काम आता है। सो जो आगे का स्क्वीजी है आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका ये प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट है उसके बीचों बीच उसको लैंड होना है, उसको बीचों बीच उसको टच होना है, तभी ये प्रिंट होगा। अगर ये टच नहीं हुआ तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ तो बॉटल रोल नहीं कर पाएगा और आपका प्रिंट परफेक्ट नहीं होगा। सो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ये बीच पे टच होना पड़ेगा, सो दैट आप प्रिंटिंग आसानी से कर पाए। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग प्रिंटिंग के आगे बढ़ते हैं, हम लोग का फ्रेम्स लेके आते हैं, यहाँ फिक्स करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कैसे प्रिंट होता है। सो दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो गए प्रिंटिंग करने के लिए। सो आपका ये जो बाकी का सामान हम लोग ने साइड कर दिया है और हम लोग यहाँ पे आप लोग को दो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं प्रिंटिंग के लिए। एक ये बॉटल जो बहुत कॉमन है ऐसा बॉटल, और एक सबसे बड़ा बॉटल, तो एक छोटा एक बड़ा। तो ये हो गया हम लोग का डिज़ाइन जो हम लोग प्रिंट करने वाले। सो ये डिज़ाइन इस पर फुल प्रिंट होगा, फुल राउंड और इसमें हाफ राउंड। सो अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेम को लगाएंगे। अभी आप देख पाओगे, पहले आपको एडजस्टमेंट जब करना है, आप हमेशा याद रखिए बॉटल फुल लेवल होना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पाओगे, देखिए यहाँ पे जो ये स्टैंड है, एक स्टैंड है ये नीचे हिस्से में है और एक स्टैंड जो है इसे थोड़ा ऊपरी हिस्से में है, थोड़ा ऊपर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो बॉटल है, ये बॉटल का स्पेस जो है पीछे का बड़ा है, तो इसीलिए वो स्टैंड नीचे की तरफ है और आगे का आप देख पाओगे छोटा है, मुंह छोटा है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ है। सो दैट आप जब स्टैंड को यहाँ के अंदर घुसाए तो ये बराबर इस तरफ बैठे और बराबर उस तरफ बैठे। तो क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे छोटा है, इसका मुंह छोटा है, ये बड़ा है, इसके पीछे का बड़ा है। सो अभी जब आप इसके लिए हम लोग क्या, इसको अगर हम लोग इसका और इसका हाइट अगर सेम कर देंगे तो ऐसा बैठेगा, तो इसका और इसका हाइट सेम कर देंगे तो ऐसा बैठेगा, सीधा नहीं होगा। तो एक साइड पे छोटा करना पड़ा, एक पे ऊपर करना पड़ा, सो दैट ये परपेंडिकुलरली फुल स्ट्रेट रहे। और यहाँ पे जो ये बार है यहाँ पे इसको टच होना है, सो दैट ये ग्रिप रहे, बाहर निकल के नहीं आए। सेम चीज़ आपके आगे की तरफ भी रखना है, दो तरफ तो लॉक हो जाए बाहर ना निकले। सो ये हम लोग ने कर चुके, अभी हम अपना फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के लिए पहले इसके नीचे की तरफ डालेंगे, वहाँ डालेंगे और देखिए आपका फ्रेम लगाने के एडजस्टमेंट, ये पूरा एडजस्टेड है। आप फ्रेम बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, ये मीडियम साइज फ्रेम है। सो हम लोग पहले फ्रेम को लगाएंगे, पहले उसके साथ अटैच करेंगे। ओके लगा लिए, अभी हम लोग इस तरफ लगाएंगे फ्रेम को। तो आपको एक चीज़ ख्याल में रखना, ये जो प्रिंट है आपका सही से इसका बीच में हो, आपका जो मैटर है उसके बीच में हो। तो ये उसका मैटर है, ये इसके बीच में है, जो बीच में होना पड़ेगा आपको, सो आपका स्क्वीजी भी बीच में रहे। उसके बाद आपका साइड है, इसको ऐसे रेंच स्पैनर्स मिलेंगे आपको अपने मशीन के साथ, इसको खोल लीजिए, खोल के आपको स्क्रूजी को नीचे की तरफ लाना है। देखिए हम लेके आए और ला के इसको इसके साथ टच कराना है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं। और अब इसको टाइट कीजिए आप दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करके, आपको टाइट कर लिया आपने। टाइट करने में आप ये हिल भी सकता है, तो इसीलिए ऐसा ग्रिपिंग नट दिया हम लोग, तो आप हाथ से भी इसको हिला सको,
तो लेकिन ये प्रिंटिंग करने के टाइम में आपको हिलेगा नहीं टाइट के लिए। सेम चीज आपको इसको भी बैठाना है नीचे की तरफ, सो ये जब इंक को पुल करे, करने के बाद आप यह आपका ये लगा लीजिए, आपका जो क्लैंप है वो लगा लीजिए, टाइट कर लीजिए इसको अच्छे से। करने के बाद आप तैयार हो प्रिंटिंग के लिए और आप इंक डाल सकते हो अभी प्रिंटिंग के लिए। सो हम लोग अभी इंक लेके आते हैं और यहाँ पे इंक डाल के आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों सारा कुछ रेडी हो चुका है, अभी हम लोग कलर भी ले लिए हैं यहाँ पे, और अभी पहला ये बड़ा बोतल करेंगे, उसके बाद छोटा बोतल करेंगे। तो अभी इंक डालते हैं यहाँ पे, ये प्रिंट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं ये प्रिंट हमने अपना प्रिंट किया है अभी, और ये हाफ प्रिंट है, फुल नहीं है। आप फुल भी कर सकते हो अगर आपके पास स्क्रीन जो है वो बड़ा हो, अगर फ्रेम बड़ा हो तो आप इसको फुल प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा प्रिंट है, बेहतरीन प्रिंट। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा प्रिंट है, और इसके बाद रखते हैं अलग से। और अभी हम लोग ये वाला कंटेनर प्रिंट करते हैं, तो जैसे आगे एडजस्टमेंट किए थे सेम उसी टाइप का एडजस्टमेंट करते और ये छोटा प्रिंट मतलब छोटा कंटेनर प्रिंट करते। सो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा से ये प्रिंट हो गया, ये फुल प्रिंटेड है। हम लोग जो पहले किए थे ये हाफ था, ये फुल है, आप देख पा रहे हो फुल प्रिंट है इसका। सो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रिंट कर पा रहे हैं, देखिए ये हाफ बॉटल है, ये फुल बॉटल है, और ऐसे बहुत टाइप के बॉटल आप प्रिंट कर पाओगे सेम प्रिंटिंग मशीन के साथ, लेकिन सबका तरीका एक ही है। जैसे हम लोग ने एडजस्टमेंट किया बड़े के लिए छोटे के लिए, सबका तरीका एक ही है। आपका स्क्वीजी छोटा छोटा बड़ा हो सकता है, छोटे बॉटल्स के लिए आपको छोटा स्क्वीजी चाहिए, बड़े के लिए बड़ा स्क्वीजी। सो अलग अलग टाइप का ये आप तरीके का बॉटल्स प्रिंट कर सकते हो इस मशीन के साथ। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैसे फूड कंटेनर प्रिंट करते हैं वो दिखाएंगे आपको राउंड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के वीडियोज़ में। तब तक हम लोग का वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट जिनको ये नॉलेज और एजुकेशन मिलना हो उनको मिल पाए। सो गाइस थैंक यू, सी यू सून।